पौड़ी जिले में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। जिले में अब तक 150 से अधिक वनाग्नि घटनाएं घट चुकी हैं, जिससे 100 हेक्टेयर से अधिक का जंगल और लाखों रुपए की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। ऐसे में आग बुझाने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है, लेकिन चारों तरफ धुआं होने के कारण वायुसेना का ऑपरेशन अग्निपथ दूसरे दिन शुरू नहीं हो सका। आज सुबह 6 बजे वायुसेना को हेलीकॉप्टर MI-17 आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू कराना था, लेकिन लो विजिबिलिटी के कारण 5 घंटे तक हेलीकॉप्टर MI-17 हेलीपैड पर ही खड़ा रहा। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। आज की लार्ज फायर्स का जो नंबर DFO साहब द्वारा बताया गया, 5 लार्ज फायर्स अभी भी हैं। अडवाणी और पाबो और कुछ पर्टिकुलर लोकेशन है, मांडा पार्क इसमें शामिल है। और चूंकि कंटिन्यूसली स्मॉग होने के कारण या बहुत ज़्यादा धुआं होने के कारण हमारा इंडियन एयरफोर्स का जो चॉपर है अभी वेट कर रहा है स्टैंड बाय पोजिशन में, और जैसे ही क्लैरिटी मिलती है उसके बाद में हम फायर के लिए जो भी एफर्ट्स होंगे वो करें।